वक्त में चैनल आए हो लोग, कैसे हो? आशा करता हूँ सब सही होंगे और मैं भी सही हूँ। और आज देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने के लिए। हरिद्वार तो आ ही चुके हैं। ये है हमारा मंदिर जहाँ हम धर्मशाला में रुके हुए हैं, वहाँ पर का मंदिर देख सकते हो। चलो 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 चलो, ये सब तैयार हो रहे हैं ऋषिकेश जाने के लिए। निकल जाएगा बटी जाएगा जाएगा। हम वहीं तो नहीं जाओ ना, देख सकते आप बाहर जा रहे हैं हम रोड पे। हाँ टूपी एक्शन का भाई लोग, मैं आप लोगों से एक अच्छी बात कह रहा हूँ कि आप घर से जब निकले तो मास्क लेके निकले, क्योंकि कोरोना बहुत ही फैला हुआ है। हमें आपको सबको पता है कोरोना की वजह से दो महीना लगभग लॉकडाउन था, दो महीने के दो साल लॉकडाउन था लगभग। इसलिए आप घर से जब भी निकले, भीड़ भड़ाक में जब भी जाए तो मास्क जरूर पहने। इसलिए मैं भी मास्क लेके आया हूँ। ये मास्क का प्रयोग करना ज़रूरी है, खुद का सेफ्टी खुद ही करो, इसमें ही भलाई है, हमारा भी भलाई है, आप लोगों का भलाई है। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मास्क जरूर पहने कहीं घर से निकले तो। बार बार से भी लोग आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मास्क जरूर ही पहने। बार बार कह रहा हूँ कि मास्क जरूर पहने, यही तक मेरा कहना था। ये देखो हरिद्वार का जो मेन रोड देख सकते हो आप लोग, अब हम इधर जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। पूरा कौन है सो भाई? हमारा चार पांच बंदे किधर हो गए? सारे बंदे कचौरी खा रहे हैं। टेस्टी लग, टेस्टी है ना? बनाओ भैया दो तीन प्लेट और बनाओ। ये हमारा आशीष दा। ये देखो हरिद्वार के थोड़ा बहुत नज़ारा। ये सारे बंदे ये ऋषिकेश जाने के लिए ऑटो बुकिंग करना है हमें, इसलिए ऑटो के पास जा रहे हैं। ये कहाँ मिलता है ऑटो? तो यहाँ पर ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं ये सारे बंदे। हम गाड़ी भी हमें मिल गया ऑटो। ये देखो सारे निकल चुके हैं, आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को ऋषिकेश। आ चुके हैं ऋषिकेश और ये मेरा ऋषिकेश में फर्स्ट ब्लॉग है। आप लोगों को ऋषिकेश का जो है लक्ष्मण झूला वो दिखाएंगे। तो जा रहे हैं हम पैदल पैदल लक्ष्मण झूला में। ये है हमारे साथ वाले और यहाँ पर ये ऑटो स्टैंड। ये सारे बंदे हमारे पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। अब हम दिखाएंगे आपको लाभ राम झूला। अच्छा व्यू है। नहीं देखो कितना मस्त नज़ारा है, सुबह सुबह का जो व्यू अच्छा ही लगता है। लक्ष्मण झूला, ये पुल जो है थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है और डर लग रहा है। और बेटा कितना मस्त नज़ारा है। ये है लक्ष्मण झूला। ठंडा बहुत है यार, ठंड बहुत लग रहा है। हवा बहुत तेज की तेज की चल रही है ना, बाहरी इलाका इसलिए हवा बहुत तेज चल रहा है। ठंड तो लग
लग रहा है कि कान पान सब सुन हो गया। ये देखो सब फोटो खींचने के लिए और ये हिलता है। और बेटा मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होगा। और ये नज़ारा भी गजब की है ना, मौसम मौसम जैसा नज़ारा है। और ये देखो वो जो ना एक पुल बना है उसमें भी जाएंगे। कितना अच्छा नज़ारा ये हनुमान जी हमारे। ये सब फोटो खींच रहे हैं यहाँ पर हमारे सब भोले। দেখ কোনটা টেই গুলেটা ফটো তুলি চল না বুঝলি রাস্তা বন্ধ দিকে রাস্তা বন্ধ না থাকলে মানুষ যেত না বিলকুল যেত। ये देख सकते हो नया पुल, पहले ये पुल था नहीं। अब लोगों को बोला था ये पुल का नाम भी नहीं रखा था, हम आप लोगों को शेयर नहीं कर सकते सारे यार पुल का नाम क्या है। और आगे लिखा होगा तो हम पढ़ के बताएंगे पुल का नाम क्या है। इतना अच्छा नज़ारा है, हमारा दोस्त सब आगे भागे क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रहा था वहाँ पर, इसलिए आगे चले गए वो लोग। अब यार दूर दूर के जाना पड़ेगा। देखते हैं कितना टेस्ट लगता है ये नया कुल्फी, हल्का भी बहुत है। बाप रे बाप, बहुत ही टेस्टी है और ठंडा ठंडा भी बहुत है। ये देखो ये जो हमारा भोले लोग आए हुए हैं इनका गाड़ी पार्किंग, हमारे गांव की भी सारे बहुत सारे बंदे यहां पर हैं, मिलेंगे तो दिखाते हैं गांव के सारे बंदे को। ये हमारा मनोज भाई और मनोज भैया कैसा मजा आ रहा है? अकेले अकेले खा रहे हैं। ये पिंटू ने पिंटू कह रहा है ये लोग खाएगा नहीं, इसलिए हमने आपके लिए लिया नहीं, सॉरी, इसलिए चलो दुकान में खिलाते हैं आप लोगों को। ये हमारे गांव के आस पास ही मुरिया में रहते हैं ये भैया, क्या हाल है? बढ़िया। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आ चुके हैं हरिद्वार ऋषिकेश घूम के। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन ब्लॉग जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए ब्लॉग को आज यहीं पर ही एंड करते हैं। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें यार। धन्यवाद गाइस, आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हरिद्वार के सारे जो झलक आपको दिखाएंगे।